जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश का स्थापना दिन है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश को नया राज्य घोषित किया गया था। उसके पहले तमाम मुगल बादशाहों ने उसकी राजधानी कोई लखनऊ, कोई संयुक्त राष्ट्र, कोई संयुक्त राज्य के रूप में उसको गिना जाता था। लेकिन 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को नए नामकरण के हिसाब से नया राज्य घोषित किया गया और तब से उत्तर प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। भारत देश का सबसे बस्ती के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और वहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, यानी देश की राजनीति में भी सबसे बड़ा राज्य है। और उत्तर भारत में पवित्र नदियाँ गंगा जमुना का प्रवाह बह रहा है। वहाँ भगवान श्री राम आज जिसका पूरे विश्व में चर्चा है, ऐसे भगवान श्री राम का राम मंदिर बनने जा रहा है। तो ऐसे समय में आज उत्तर प्रदेश का जन्मदिन मनाने में, कोरोना के इस महाकाल में हम लोगों ने बहुत छोटा सा आयोजन किया है। पिछले साल हम लोगों ने बहुत बड़ा आयोजन किया था, इस साल कोरोना की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बहुत छोटा सा कार्यक्रम किया है, लेकिन अपने प्रदेश की जन्मदिन को मनाने का हमने पूरा प्रयास किया है और इसमें धार्मिक भजन और तमाम गीत संगीत का कार्यक्रम करके हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाकर भोजन के साथ सब अलग पड़ेंगे। तो जितेंद्र सिंह उत्तर भारतीय विकास मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूनम बेकरी परिवार की तरफ से NS न्यूज़ के माध्यम से हम सभी देशवासियों का, सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग, हमारे हिंदी भाषी टीम आज अपने पावन पवित्र नगरी गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं। हम लोग यहाँ पर लोगों का बहुत ही प्यार, बहुत ही सहयोग मिला हम लोगों का, इसके लिए हम सभी अपने हिंदी भाषी, अपने गुजराती मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा ने पूर्ण विश्वास करता हूँ कि हम ऐसे ही अपने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस को हर वर्ष इसी तरह, इसी उमंग, इसी ऊर्जा के साथ मनाते रहें। देशवासियों से हमारा यही अपील है, जय गरबी गुजरात। मेरा नाम अभय सिंह राजपूत है, मैं अहमदाबाद उत्तर भारतीय विकास मंच का अध्यक्ष हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी ने अमुक साल पहले जिस तरह से महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय जो लोग रहते हैं उनके लिए स्थापना दिवस जिस तरह से महाराष्ट्र में मनाया जा रहा था, उसकी प्रेरणा लेते हुए वहाँ के जो हमारे एक उत्तर भारतीय नेता है अमरजीत मिश्रा जी, वो अनेक वर्षों से वहाँ उत्तर भारतीय विकास मंच के माध्यम से महाराष्ट्र में रहने वाले सभी उत्तर भारतीयों को इकट्ठा करते, दूसरी तरह से समग्र गुजरात में हमारे उत्तर भारतीय जो लोग यहाँ पे रोजी रोटी कमाने के लिए आए, धंधे के लिए आए, उनको सभी को इकट्ठा करके उनमें प्रेम भाव बढ़े, एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे का दुख बांटे, उसके लिए इस साल दूसरा वर्ष है उत्तर भारतीय विकास मंच के द्वारा उत्तर भारत प्रदेश के जो अहमदाबाद में रहने वाले सभी लोगों को एक मंच पर इकट्ठा करके, सभी जात जात भेदभाव छोड़कर सभी को इकट्ठा कर उनमें प्रेम भाव बढ़े, एक दूसरे का दुख दूर करने के लिए इकट्ठा हों और हमारे उत्तर भारतीय का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसका गुजरात में भी प्रचार हो और गुजरात के लोग हम एक दूसरे को मिल के या दिन उत्तर भारतीय के माध्यम से उत्तर प्रदेश दिवस मनाएं, उसके उपलक्ष्य में उत्तर भारतीय विकास मंच के द्वारा आज 24 जनवरी के दिन अहमदाबाद में SM विद्यालय निकोल नरोड़ा रोड पर यह शानदार प्रोग्राम रखा गया है। इसके अंदर भजन कीर्तन, उत्तर प्रदेश का लोक संस्कृत गीत और अनेक प्रोग्राम जो हमारे वक्त मंडलियाँ प्रस्तुत करेंगी।